हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो रहा हूँ मैं, कहता हूँ सारे दोस्त के कैसे होंगे भाई, कोई दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों GX 6605 इसकी मेन प्रोसेसर ख़राब है, मैंने टेस्ट कर लिया था, फिर भी आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। तो इसका मेन प्रोसेसर मैंने आज दूसरा न्यू मंगवाया है मार्केट से, तो आज इसमें मेन लगाते हैं IC, इसमें पता लगेगा भाई मेन इसकी ठीक वर्क करती है। IC मंगवा के लगाएं या ना लगाएं, मुकम्मल डिटेल के साथ आप दोस्तों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर कोई दोस्त चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि ऐसी मदद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले इसके वोल्ट 200 चेक करने होंगे, वोल्ट चेक कर लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन को चेक कैसे करना होगा भाई, इसमें कौन कौन सा फॉल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन में इसमें तकरीबन ज़्यादा सिग्नल का फॉल्ट आता है। तो इसमें जब मैंने चेक किया दोस्तों रेड लाइट पर, तो मेन को हल्की सी हीट देने से ये सेट अपना ऑन हो रहा है। तो मैंने चेक किया था 5-10 मिनट के बाद फिर दोबारा बंद हो रहा था। तो इसके मेन कंफर्म थी, तो मैंने मेन मार्केट से परचेज़ किए, ठीक है। ऑनलाइन पे मैंने पर देखा तो रेट वही था, अगर मार्केट से मैंने लेनी थी तो वही रेट था। तो फिर मैंने मार्केट से परचेज़ की थी, हमें मार्केट हैदराबाद नज़दीक पड़ता था, तो हैदराबाद से मैंने परचेज़ की थी। तो ये वाली IC है GX 6605, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली IC अपन इस रिसीवर में लगाते हैं, देखते हैं अपनी ठीक वर्क करती है या इसमें कोई मसला आता है। मुकम्मल डिटेल के साथ इसी वीडियो में आप भाई को देखने को मिलेगी, तो वीडियो को स्किप करके बगैर देखना, ताकि आपको नॉलेज पूरी मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली IC है, तो अभी इसमें दोस्तों इसको लगाने का तरीका भी शेयर करूँगा। अगर कोई दोस्त न्यू लगाना चाह रहा हो भाई, अभी IC हमसे लगेगी कैसे, मुकम्मल तरीका इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने दोनों तरफ से आप दोस्तों को दिखा दी, देखो रिसोल्ड इसमें अभी तक सोल्डिंग नहीं हुई हुई है, ठीक है, बिल्कुल न्यू है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू है। क्योंकि अभी दोस्तों इसका बोर्ड भी मार्केट से अवेलेबल फ़िलहाल नहीं मिल रहा हमें, तो अगर किसी दोस्त के पास पड़ा हुआ है तो मुझे काइंडली बता देना भाई कितने का बोर्ड आ रहा है। और अगर IC कोई दोस्त परचेस करना चाह रहा है फिर भी कमेंट करे, तो मार्केट से हम लेके बेच भी सकते हैं आप दोस्तों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले अपन को हॉट एयर से अपन को IC स्क्रैप जो पुराना लगी हुई है वो उतारनी होगी। और दोस्तों इसमें मैंने ब्रोज़ो का यूज़ किया, पेस्ट का यूज़ नहीं किया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैंने ब्रोज़ो का यूज़ किया था, ठीक है, ये वाला ब्रोज़ा जो अपन रिसोल टाँके वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ब्रोज़ा लगाने से दोस्तों अपन की IC ख़राब नहीं होगी और नीचे से प्रिंट भी ख़राब नहीं होगी। पेस्ट असल में बारीक होता है, फैल जाता है, इस वजह से IC ठीक से अपनी बैठती नहीं है। और अभी इसमें से मैंने देखो थोड़ा सा ब्रोज़ा लगा के ऊपर IC रख दी, तो IC इसमें ब्रोज़ो में चिपक भी जाएगी और अपनी जगह पे बैठ भी जाएगी। इसको बराबर अपनी जगह पे बिठा के फिर IC को देना हीट, तो IC अपनी जगह पे बैठ जाएगी। जैसे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, देखो अभी मुझे ठीक लग रहा है भाई, IC अपनी बिल्कुल ओके हो गई है। और इसके ऊपर अपन फिर दोबारा से ब्रोज़ा, ठीक है दोस्तों, ब्रोज़ा इसमें लगा देंगे ऊपर से अच्छी तरीके से, ताकि अपन इसमें हीट दे तो अपन की IC हीट की वजह से ख़राब ना हो। अक्सर दोस्तों हीट ज़्यादा दे देते हैं, IC ख़राब हो जाती है और सर्किट भी जल जाते हैं। तो दोस्तों हीट इतनी हीट देना भाई, अगर हीट पहली मरतबा आप किसी भी बोर्ड को दे रहे हो, तो काइंडली मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूँगा भाई किसी पुराने बोर्ड में से आप प्रैक्टिस कर लो भाई, अभी इसने इतनी हीट से IC निकलती है, इतनी हीट से IC लगती है, ठीक है दोस्तों। तो IC मैंने क्या हीटर से बिठा दी, अभी अपन इसको रिसोल्व करके पेट्रोल से वाश कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो रिसोल्व मैंने कर दिया है काविया की मदद से, तो अभी पेट्रोल तो इसको कर लेंगे वाश, ताकि दोस्तों इसमें जो रंजन वगैरह प्रोजा अपने यूज़ किया था वो साफ़ सुथरा हो जाए बोर्ड अपना। तो इसको रिसोल्व करके फिर साफ़ करना, ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों इसमें सब सुथरा करके आप दोस्तों को देखो चेक करा दिया, अभी इसकी देखो दोस्तों शाइनिंग माशाल्लाह हो गई हुई है, भी ऐसे लग रहा है जैसे IC निकली ना हो और लगी भी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो IC हो गई ओके, ठीक है दोस्तों, देखो VIP हो गया माशाल्लाह। तो अभी करते हैं इसको चालू, बाहर भी देखो साफ़ सुथरा हो गया, देखते हैं अपना रिसीवर चालू हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले अपन को यहीं पर इसके पावर देना होगा और ये पैनल का जेक लगाना होगा, दो पिन जेक लगा दिया, तो करते हैं ऑन इसी और अपना देखें
ठीक है दोस्तों, देखो सप्लाई ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रिसीवर अपना ऑन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और दोस्तों से शेयर करो, ताकि हमें भी दोस्तों वीडियो बनाने का काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो हमारी वीडियो को लाइक भी किया करो, दोस्तों से शेयर भी किया करो। दोस्तों अभी बोर्ड मैंने कर लिया है, बोर्ड रिसीवर में फिट, तो इसकी सिग्नल की बत्ती भी आ रही है। तो इसका कीपैड वगैरह दोस्तों सारा वर्क कर रहा है ओके। ठीक है, ये वाला बटन इसका ख़राब है, कोई मसला नहीं है। बाकी इसमें आप दोस्तों को वीडियो और आइडियो दोनों चेक करा देता हूँ। दोस्तों उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। दोस्तों रिसीवर हो गया अपना परफेक्ट ओके। दोस्तों आईसी बेहतरीन काम कर रही है माशाल्लाह। अगर कोई दोस्त परचेज करना चाहे बिल्कुल बेझिझक आईसी परचेज करके लगा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।